तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हम ऑनलाइन टीडीएस के अमाउंट को और टीसीएस के अमाउंट को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई सैलरी एम्प्लॉई हो, आपकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपका टीडीएस भी जरूर कट रहा होगा। अगर आप एक कोई बिजनेस मैन है, आपका बिजनेस बड़ा है, तो आपको अलग अलग सेक्शन जैसे कि कोई इंटरेस्ट पे है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे है या कमीशन बेसिस पे है, तो आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में टीडीएस भी जरूर कट रहा होगा और उसके साथ में पर आपका टीसीएस भी जरूर कट रहा होगा। तो हम आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भी जितना टीडीएस के अमाउंट है या फिर टीसीएस के अमाउंट है जो डिडक्टर के द्वारा डिडक्ट की जा चुकी है, उसको हमारे पेन नंबर पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि जितना टैक्स हमारे से काटा जा चुका है उस डिडक्टर ने हमारे से जो पैसा कलेक्ट किया उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया या फिर नहीं करवाया। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हमें टीडीएस के अमाउंट को और टीसीएस के अमाउंट को चेक करने के लिए हमें गूगल ब्राउजर पे आके हमें एक वेबसाइट का एड्रेस हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जिसका नाम है incometaxindiaefiling.gov.in पे। यार दोस्तों अगर आप ये साइट नहीं टाइप करना चाहते तो सिंपल गूगल के सर्च इंजन को आप ओपन करोगे और उसके बाद में सिंपल 26AS यहाँ पर आप टाइप कर दोगे। तो जैसे 26AS टाइप करके इंटरफेस करोगे तो आपके सामने ये इनकम टैक्स का पहला ही लिंक ओपन हो जाएगा, ई फाइलिंग होम पेज का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आप इनकम टैक्स की इस जो इसका पोर्टल है इस पर आ जाओगे। तो सबसे पहले हमें अगर आपका जो पैन नंबर है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा लॉग इन हेयर। अगर आपका टीडीएस फर्स्ट टाइम कटा है, यानी कि आपको इससे पहले आपका टीडीएस कभी नहीं कटा है, पहली बार कटा है, तो सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा रजिस्टर योर सेल्फ पर और उसके आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा भी आपका जो पैन नंबर है वो इंडिविजुअल में है, एचयूएफ में है या फिर किस में है। तो आप अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको इंडिविजुअल में रखना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में जैसे हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। तो हम एक बार इसको वापस रजिस्टर्ड पे जाते हैं, इंडिविजुअल पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चार स्टेप में फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये इंटर बेसिक अमाउंट देनी पड़ेगी, उसके बाद में कुछ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन को वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में चौथे स्टेप पर आपका रजिस्ट्रेशन है जो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल जानकारियाँ देनी है, जैसे कि जो भी आपका पैन नंबर है उस पैन नंबर पर आपका सरनेम, मिडल नेम या फिर फर्स्ट नेम है जो क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है। तो उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको ये यहाँ पर शो करवाना भी आप रेजिडेंशियल हो या फिर नॉन रेजिडेंस, अगर आप इंडियन हो तो रेजिडेंशियल पर आप क्लिक करोगे रेजिडेंस पे। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आप इसे आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सब कुछ वेरिफिकेशन करेगा। तो उसके बाद में OTP के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब हमें करना है लॉगिन, यानी कि जितना हमारा TDS है या TCS के अमाउंट जो डिडक्ट हुई है उसे चेक करना है। तो इसके लिए हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी होता है वो आपका पैन नंबर होता है, तो जैसे कि मैं मेरा यहाँ पे लगा के बताता हूँ आपको। और उसके बाद में जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे आप टाइप करोगे और उसके बाद में ये कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड हमें यहाँ पर शो हो रहा है वो हमें टाइप करना है और उसके बाद में इस लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे से कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल अपडेट के लिए पूछेगा। तो अगर इसमें से अगर आप अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ईमेल आईडी है, एड्रेस वगैरह आप वेरीफाई करना चाहते हो या इसमें कुछ अपडेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो स्किप करने के बाद हम 26AS हमें फॉर्म देखना है, तो 26AS फॉर्म को देखने के लिए हम यहाँ पर इस मेन्यू बार में माई अकाउंट के
इस मेन्यू पे आएंगे और उसका आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू फॉर्म 26CS टैक्स क्रेडिट का। तो हम इस टैक्स क्रेडिट पर हम क्लिक करेंगे। तो टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर जो TDS की जो वेबसाइट एड्रेस की इस पर आ जाएगा service.tdscpc.gov.in पे। तो उसके बाद में हम इसको यहाँ से करेंगे आई एग्री और प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में आपको जो 26 फॉर्म जो चेक करना है, इसके लिए आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26CS इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए 26CS पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे हम तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन के अंदर में आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर चेक करना है भी आप जो आपका जो TDS है वो कौन से असेसमेंट ईयर का आप चेक करना चाहते हो। अब मान लीजिए आप जो जस्ट लास्ट ईयर था यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, तो अगर उसका अगर आप TDS चेक करना चाह रहे हो तो आपको असेसमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा 2021-22 का, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर से जस्ट 1 ईयर का आगे का होता है। तो 2021 का हम 21-22 चेक करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का चेक करोगे तो आपको 2021 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 2021 का देखूंगा तो 21-22 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में व्यू एज में आप HTML पे क्लिक करोगे और उसके बाद में व्यू पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप अपना जो TDS है जितना भी TDS डिटेल को आप PDF फाइल में अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट एज ए PDF कर सकते हो। अगर आपको यही ऑन द स्क्रीन पे आपको चेक करना है तो आप इस पे व्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर सारी उससे पहले आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहला कॉलम मिलेगा पार्ट ए और यहाँ पर लिखा होगा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट श्योर सी, यानी कि जितना भी आपका TDS काटा गया है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉलम पर मिलेगी। यानी कि सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद में नेम ऑफ डिडक्टर रहेगा यानी कि कौन से डिडक्टर ने आपका TDS है जो काटा है, उसके बाद में उसका टेन नंबर ऑफ डिडक्टर कौन से पेन नंबर के थ्रू काटा गया है, और उसके बाद में टोटल अमाउंट ऑफ यानी कि कितना आपको अमाउंट पे किया गया था। मान लीजिए आपका जो कमीशन है तो कमीशन आपको कितना पे किया गया था और उस पर टोटल टैक्स डिडक्टर यानी कि कितनी अमाउंट है जो डिडक्ट की गई है, और टोटल TDS डिपॉजिट यानी कि कितना जो जितना TDS आपसे काटा गया है उतना ही अमाउंट है जो डिपॉजिट भी करवा दिया गया है। तो उसके बाद में दोस्तों ये आ जाएगा फॉर्म ए का ही नेक्स्ट पार्ट है फॉर्म A1 का। इसमें आ जाएगी डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट श्योर्स फॉर 15G या फिर 15H, अगर आपने TDS नहीं कटवाया उसके अगेंस्ट में आपने 15G या 15H फॉर्म आपने दिए तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेगी यानी कि कौन से डिडक्टर को आपने ये फॉर्म दे दिए हैं। तो ये तो थी तो TDS की डिटेल। तो उसके बाद में आपको फॉर्म नंबर B में आपको मिलेगा यहाँ पर डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट श्योर्स यानी कि TCS की डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसके अंदर भी आपको सेम हुई नेम ऑफ कलेक्टर यानी कि कौन सी कंपनी ने आपका TCS है जो काटा है तो उसका 10 नंबर क्या है, उसका कंपनी का नाम क्या है, सेम वही प्रोसेस कितनी अमाउंट आपको पेड करी थी TCS की और कितना जो टैक्स कलेक्ट किया और कितना डिपॉजिट भी करवाया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर कॉलम नंबर B में मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपको इसके अलावा भी डिटेल ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS, अगर इसके अलावा आपने खुद इनकम टैक्स कोई डिपॉजिट करवाया है अपना पर्सनली सेल्फ असेसमेंट या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा करवाया है तो उसकी डिटेल आपको इस पार्ट C में मिलेगी। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके विंडो में मिल जाएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो उसके बाद में इस बिजनेसमैन आपने जितना भी सेल किया हुआ है GSTR 1 में और जितनी आपकी सेल GSTR 3B की सेल में गई हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको सारी यहाँ पर मंथली मिलेगी। डेट ऑफ फाइलिंग आपने रिटर्न कब करी है, रिटर्न का पीरियड क्या है यानी कि कौन से मंथ का है, उसके टैक्सेबल टर्नओवर कितनी है, तो और आगे टोटल टर्नओवर यानी कि टोटल टर्नओवर में जो आपकी एग्जम्प्ट सेल है और टैक्सेबल टर्नओवर है वो दोनों काउंट होकर यहाँ पर टोटल टर्नओवर में आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम टोटल इन्फॉर्मेशन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आप कौन से भी फाइनेंशियल ईयर का चेक कर सकते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर उसके बाद में अपने इस सभी से इस फॉर्म को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो PDF में तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करोगे। तो जैसे हम PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक PDF है जो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही आप देख रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर भी शो करना शुरू कर देगा। आप चाहो तो इसका अपने प्रिंटआउट लेके अपने फाइलिंग में भी लगा सकते हो।
तो दोस्तों इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन है जो 26AS फॉर्म के थ्रू कितना TDS है, TCS है, या फिर हमारी तरफ से जो टैक्स डिपॉजिट करवाया गया, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ वो भी अभी कर लेना, क्योंकि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।